हाय अभियान, कैसे आप लोग? आई होप नींद आपकी खुल गई होगी, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। तो छोड़ो उन्होंने, आई एम पंकज सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। एंड बहुत सारे टॉपर्स से आपने सुना होगा, लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने डीसी पांडे लगाई थी, मैंने इतने सारे टेस्ट सीरीज सोल्व किए थे एंड मैंने नोट्स को बार बार रिवाइज किया था। हर किसी का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, मेरा एक अलग एक्सपीरियंस है और अलग सिचुएशंस के अंदर एक्सपीरियंस है। तो मैं जो बातें करूँ, हो सकता है आप कुछ पसंद ना आए या फिर विश्वास ना हो, राइट? कुछ ऐसा हो सकता है। मैं बताने वाला हूँ कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे, कौन सी मटेरियल, टू बी ऑनेस्ट, मैंने यूज़ किए थे लास्ट के 2 मंथ्स के दौरान। सी, आई एम फोकसिंग ऑन लास्ट 2 मंथ्स, नॉट ऑन 2 मंथ से पहले की, राइट? सो बायोलॉजी, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी, मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता चल गई थी। और जब मुझे मेरा ये पता है कि मेरे को बार बार रिवाइज करने के बाद अच्छे से मेरे को बायोलॉजी अच्छे से याद हो रही है, मैं चीज़ें नहीं भूल रहा, तो 1 घंटा उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई सेंस नहीं बनता, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो, तो दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू शुड डू, तुम्हें करना चाहिए वो चीज़। बट मेरे लिए बायोलॉजी में अपनी जो सेल्फ रीडिंग थी, सेल्फ स्टडी थी, बार बार चैप्टर्स को रिवाइज करना, दिन में दो दो चैप्टर्स पढ़ना, तीन तीन चैप्टर्स पढ़ना, वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था बजाय उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, राइट? हाँ, PYQ मैंने अच्छे से सोल्व कर लिए थे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आप भी हो सके तो बायोलॉजी के एक बार PYQ एटलीस्ट 2008 से आगे आगे जरूरी बार सोल्व करके जाना, राइट? अगर नहीं किए हैं तो कर लिए हैं तो भाई अपना रिवाइज करो, मेरी मानो तो। अगर आपका कुछ बचा हुआ है तो पहले वो अच्छे से कंप्लीट करो, देन रिवाइज साथ साथ करते रहो। केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक बायोलॉजी, तुम्हें अच्छे से पता है, मैंने उसके भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई स्पेशल बुक वीके जायसवाल पहले सोल्व की हुई है, लेकिन लास्ट के 2 से 3 3 टू 4 मंथ्स लगा लो आप, मैंने कोई वीके जायसवाल सोल्व नहीं की। हाँ, इनऑर्गेनिक के बहुत ही फैबुलस नोट्स बनाए थे, शॉर्ट्स, जिसको पढ़ने के बाद यूं चुटकी में मतलब मेरा चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाता। और ये नोट्स मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखे हैं, राइट? तो उसकी मेरे को टेंशन नहीं थी, जो ब्लॉक केमिस्ट्री थी वही जो मेन हर्डल होता है, तो वो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। इनऑर्गेनिक की कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा था मैंने, लास्ट के 2 मंथ्स में एक बार एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो, मैंने अच्छे से सोल्व किए थे, राइट? तो उसको तो गलती से मिस ही मत करना, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यही सच है, राइट? आप अगर इनऑर्गेनिक को अच्छे से सोल्व करके जा रहे हो ना आपके एनसीईआरटी से, और ऑर्गेनिक को भी, तो बहुत काफ़ी है। ऑर्गेनिक का लास्ट 2 मंथ्स में मैंने कोई हिमांशु पांडे सोल्व नहीं की, या फिर इवन मैंने कोई अपने जो कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं वो भी कुछ नहीं लगाया था, बस मैंने अपनी नोटबुक को एक हद होती है उससे ज़्यादा बार रिवाइज किया था, राइट? और इतना ज़बरदस्त पेपर नहीं आता है कि आपको हिमांशु पांडे जैसी बुक सोल्व करने की ज़रूरत है, वो भी लास्ट के 2 मंथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो मैंने अपने जो नोट्स थे वो एक लिमिट होती है, उससे भी ज़्यादा बार दोहराए थे। ऑर्गेनिक को तो मैं यूँ 3 दिन में कंप्लीट कर देता था चुटकी के साथ, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी थी, तो फिर उसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था। हाँ, लास्ट के 2 मंथ्स में एनसीईआरटी के चैप्टर्स मैंने इंडिविजुअल चैप्टर्स, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, इथर है, तो मैंने इंडिविजुअली हर ऑर्गेनिक को, हर ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को, लाइंस को अच्छे से पढ़ा था, राइट? तो ये मिस मत करना। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अगर आपको सोल्व करने हैं तो PYQ करो, और आपके जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं वो करो, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू गाइस इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। और जो आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो, तो ये काफ़ी रहेगा, आपको कोई बहुत बड़ी भारी बुक सोल्व करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन स्किप मत करना है एनसीईआरटी का, अगर आपने अभी तक सोल्व नहीं किया है तो, नॉट इवन वन, राइट? सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे एग्जाम्पलर में, फिजिक्स और फिजिकल में, जो आपके सोल्व नहीं होंगे, आपसे घबराने की नीड नहीं है, क्योंकि IIT की भी प्रिपरेशन जो है, जो कोर बुक है, सिलेबस, वो सेम है। तो NCERT IITians भी पढ़ते हैं, अपन भी पढ़ते हैं, राइट? तो समझ गई हूँ मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिजिक्स में स्पेशली मैंने एक क्रैश कोर्स लिया था, क्रैश कोर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, बट क्रैश कोर्स बहुत फ़ायदा किया मेरे को, लाइक लास्ट कैसे यूज़ करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट क्रैश कोर्स के फायदे बहुत ज़्यादा है। अगर आपने पहले अच्छे से प्रिपेयर एक बार कर रखा, आपको रिवीजन की सख्त ज़रूरत है, राइट?
मटेरियल मैंने फिजिक्स में केवल अपनी नोट्स जो थे, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो, और मेरे जो खुद के नोट्स थे लाइक जो मैंने दोस्तों से अरेंज किए थे वो, तो ये नोट्स जो है मैंने बहुत अच्छे से दोहराए थे, क्योंकि नोट्स एक टीचर जब बनवाता है ना तो अपनी तरफ से बेस्ट बनाने की कोशिश करता है, राइट। तो नोट्स मैंने अच्छे से किए थे। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने वही कोई एचसीवी या फिर डीसी पांडे नहीं लगाई थी, एनसीईआरटी जो थी उसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लगाए थे मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में, क्योंकि जो आपके एक्स्ट्रा अभी तो नहीं, मेरे टाइम पे नहीं, बट अभी आपके में सेक्शन बी आ रहा है, तो एग्जाम्पलर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हो उसमें, राइट। और एडिशनल एक्सरसाइजेज, ये 2 चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। कोई भी सोल्ड एग्जाम्पल मत छोड़ना मेरी मानो तो, राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, वो आपके नोट्स से, जितने भी आपके नोट्स के क्वेश्चंस हैं उनसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ब्रेन लगाने की नीड नहीं है, राइट। तो आई जस्ट टोल्ड फिजिक्स में मैंने अपने नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज किए थे, शॉर्ट नोट्स दी जाता की एलिमेंट्स वो आपको अगर नहीं बनाए हैं तो जितना जल्दी हो सके पहले उन्हें कंप्लीट करो, और उनको बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करो। एक मतलब दिन में मैं 2-2 3-3 चैप्टर कैसे कंप्लीट करता था वो मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ फिजिक्स के अंदर, राइट। और जितना जैसे आपका स्केड्यूल जो है, आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसके ओरिएंटेड रखो, दैट विल बी मोर देन इनफ एंड मोर बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। सो यही मैंने कुछ यूज़ किया था, मैंने कोई भारी बुक्स या फिर इवन जो आपके मॉड्यूल्स वगैरह थे ऐसा कुछ सोल्व नहीं किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बात मानो या फिर मेरे जैसा करो, राइट। मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर आप इतना करते हो तो ये भी मोर देन इनफ है। अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, लाइक आप मॉड्यूल सोल्व कर रहे हो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। डीसी पार्टी यूज़ कर रहे हो गलत नहीं है, बट हिसाब से आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने कितना पढ़ रखा है। अब आपने स्टार्ट ढंग से नहीं किया है, पहली बार चैप्टर करने जा रहे हो फिर डीसी पार्टी सोल्व कर रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है, राइट। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी डू कॉमेंट, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, एंड कोई क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे आप जाके पूछ सकते हो। वैसे भी आजकल आंसर मोड पे हूँ मैं, कुछ पूछोगे मेरे को आंसर देना ही देना है, राइट। और अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं लगे तो प्लीज़ डू डिसलाइक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।